देवरिया के लोग बदलाव सोच रहे हैं। काहे बदलाव? गरीबी हटाने के लिए बदलाव। गरीबी तो मोदी जी हटाते हैं। मोदी जी क्या हटाते हैं, मोदी जी तो और गरीब बना रहे हैं। बच्चों के खाने के बिस्कुट पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, कफन पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, दवाइयों पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब और क्या चाहिए, हमारा खून चाहिए उन्हें? अगर हमारा खून भी चाहिए तो निकाल ले। नहीं चाहिए हमें ये हुकूमत जो मुसलसल गरीबों को मजलूमों के ऊपर अत्याचार करती जाए। अपने वो शौचालय बनवा के एक नया धंधा कायम किया है कि शौचालय में जाइए, 10 रुपया दीजिए, 10 मिनट बैठिए, चले आइए। वो हॉस्पिटल भी बनवा सकते थे, स्कूल भी बनवा सकते थे। उन्होंने कितने स्कूल बनवाए हैं, खाली हर मोहल्ले, हर बनारस के अंदर मोदी जी भावुक हो गए थे। इसी बात तो 400 पार नहीं होगा, मोदी जी बनारस के पार होंगे। 400 पार खत्म हो गया, बनारस के पार हो जाएंगे मोदी जी। अरे भाई, कौन सा सपना देख रहे हैं आप लोग? मोदी जी की बात बोलेंगे, आप बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, मीडिया बोल रहे मोदी जी की बात, आप भी आए वही बात बोलने के लिए। क्या उन्होंने किया है गरीबों के लिए, क्या किया है अमीरों के लिए? सब किया है। अमीर जाता है बैंक में लोन लेने, बिना फार्म को उसको लोन दे दिया जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा तो माफ किया ना? क्या कर्जा माफ किया? अंबानी का कर्जा माफ किया, अडानी का कर्जा माफ किया, उनको रास्ता खोल दिया, जाओ तुम बिजनेस चले जाओ।